हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 लोकतंत्र और विविधता, इसका सेकंड पार्ट है। इसमें इस लेसन को मैं अब आगे और समझाती हूँ आपको। इसमें है सामाजिक विभाजनों की राजनीति। देखिए, जो सामाजिक विभाजन है वो राजनीति को प्रभावित करते हैं। एक यानी कि सामाजिक विभाजन और राजनीति दोनों ही एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। सामाजिक विभाजन व राजनीति का सामंजस्य या मेल जो है वो घाक हो सकता है। यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक जो दल होते हैं उनमें परस्पर क्या होती है, जो दल होते हैं उनमें आपस में क्या होता है, प्रतिद्वंद्विता होती है, यानी कि कंपटीशन रहता है। जो आपने देखे होंगे, सुनोगे, राजनीतिक दल जैसे कि आपने कांग्रेस पार्टी है, भाजपा है, इस तरह से बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं, तो इनमें क्या होता है, आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कि कंपटीशन होता है। और इस प्रतिस्पर्धा के कारण समाज में क्या होता है, फूट की स्थिति बन जाती है। यानी कि एक पार्टी अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करती है और दूसरों की कमी निकालती है, जबकि आपस में क्या होता है कि एक दूसरे की कमी निकालती हैं, या हो सकता है कोई राजनीतिक पार्टी जो है किसी विशेष सामाजिक समूह को या किसी विशेष धर्म के आधार पर उनको प्रोटेक्ट करता हो, तो इस वजह से क्या होता है कि आपस में इनमें फूट पड़ सकती है। और वस्तुतः यदि राजनीतिक दल समाज में विद्यमान विभाजनों के अनुसार राजनीतिक प्रतिस्पर्धा करने लगें तो सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि अगर राजनीतिक दल जो हैं वो ऐसे ही सामाजिक विभाजन राजनीति सामाजिक विभाजन राजनीति विभाजन में परिवर्तित हो सकती है अगर इस तरह से प्रतिस्पर्धा चलती रहे तो। अब है परिणामों का दायरा, इसका परिणाम क्या होता है। देखिए, सर्वश्रेष्ठ स्थिति यह है कि किसी समाज में कोई विभाजन ही ना हो। देखिए, सबसे अच्छी स्थिति तो यही है कि किसी भी समाज में जो है विभाजन ना हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो फिर भी ऐसा संभव नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजन की बात करना, विभिन्न समूहों में विभिन्न वादे करना, ये स्वाभाविक ही है। यानी कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो क्या करती है, लोकतंत्र में क्या होता है, राजनीतिक दल जो होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों की विभिन्न समूहों से क्या करते हैं, वादे करते हैं, जो नेचुरल सी बात है, वोट पाने के लिए वो लोग करते ही हैं। विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व देना, उनकी मांग के अनुरूप नीतियाँ बनाना राजनीतिक दलों की रणनीति का हिस्सा है। यानी कि जितने भी समुदाय हैं उनका प्रतिनिधित्व करना होता है, ठीक है, और उनकी जो मांग है उनके अनुरूप ही हमें नीतियाँ बनानी होती है। उस हिसाब से जो राजनीतिक दल हैं वो रणनीति का हिस्सा हैं। एक समुदाय के लोग किसी एक दल को दूसरे दल की तुलना में अधिक पसंद करते हैं और अधिक वोट देते हैं। देखा होगा आपने, अपने देश में भी देखा होगा, बहुत से लोग जाति के आधार पर जो है किसी पार्टी को ज़्यादा वोट देते हैं, है ना, और किसी को नहीं देते हैं, या तो इस तरीके से ये सब जो है पार्टियाँ जो होती हैं, लोग क्या करते हैं अपनी पसंद के अनुसार इनको वोट देते हैं। किंतु इसका परिणाम क्या होता है, देश का विभाजन नहीं होता है, लेकिन इसका परिणाम ये भी नहीं कि इससे क्या हो, देश का विभाजन हो जाए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सामाजिक विभाजन और राजनीति में के मेल का पहला जो परिणाम है वो हम इसको उदाहरण से समझा सकते हैं। जैसे कि उत्तरी आयरलैंड, जो कि ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा रहा है, यहाँ पर लंबे समय से राजनीतिक टकराव और वह हिंसा से ग्रस्त रहा। यानी कि यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक जो है राजनीति रही, राजनीतिक टकराव रहे, आपस में लोगों के मतभेद रहे, इसके अलावा हिंसा भी रही। यहाँ पर लगभग 53% जो लोग हैं वो प्रोटेस्टेंट आबादी है। देखिए, प्रोटेस्टेंट और ये जो है क्रिश्चियंस, ईसाई लोगों के दो वो थे पंथ, जैसे कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, ठीक है। इसमें 53% लोग जो थे वो थे तो ये दोनों ईसाई, लेकिन इनकी दो भागों में बटा हुआ था ईसाई धर्म। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 53% जो लोग थे वो प्रोटेस्टेंट आबादी थी, और जबकि जो 44% आबादी थी वो कैसी थी, रोमन कैथोलिक थी। अब कैथोलिक जो थे उनका प्रतिनिधित्व कौन करता था, नेशनलिस्ट पार्टियाँ प्रदान करती थी उनको, और जो कैथोलिक थे वो बहुल आयरलैंड गणराज्य के साथ उत्तरी आयरलैंड को मिलाने की मांग करते थे। वहीं जो प्रोटेस्टेंट थे इनका प्रतिनिधि कौन करता था, यूनियनिस्ट पार्टियां करती थी, जो कि क्या करती थी, प्रोटेस्टेंट देश ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहने के पक्ष में थी। इन दोनों दलों में हिंसक टकराव व सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे गए। तो ये जो दोनों दल थे इनकी दोनों की डिमांड्स अलग अलग थी,
और जो इनको प्रोटेक्ट करनी थी पार्टियाँ वो भी अलग अलग थी। तो इनमें क्या था, दोनों पक्षों में हिंसक कार्रवाई होती थी और जिसके कारण जो है बहुत से लोग जो है इसमें मारे गए। सन 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच क्या हुआ, एक शांति समझौता हुआ जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक कार्रवाई को बंद करने का वादा किया या स्वीकार किया। इसी प्रकार धार्मिक व जातीय आधार पर यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में क्या हो गया, विभक्त हो गया। अब इसके बाद देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कॉलम आप देख रहे हैं, यहाँ पर बुल्गारिया, रोमानिया या भारत, इनके बारे में बताया। देखिए इसमें एक स्टोरी दे रखी है कि गणेश जो है वो विदेश घूमने गया था, विदेश से घूम के आया था। तो वह एक लड़की महाश्वेता को बता रहा था कि पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों में रहने वाले जो रोमानी लोग हैं उनका जीवन कैसा है। फिर उसे याद आई यरदानका उसको मिली थी, कहाँ मिली थी उसको यरदानका, उसको बुल्गारिया में मिली थी, जो बुल्गारिया में क्या थी, एक नर्स थी। रोमानी लोगों के बारे में उसने ये बातें कही थी, यानी कि वहाँ पर जो रोमानी लोग थे, मैं आपको पूरा इस स्टोरी का थोड़ा सा सार बता देती हूँ कि रोमानी लोगों की ज़्यादा अच्छी छवि नहीं थी। ये माना जाता था कि ये लोग जो हैं असभ्य हैं और ये लोग जो हैं ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं या फिर ये लोग गंदगी फैलाते हैं और डॉक्टरों को परेशान करते हैं। तो ये वहाँ की जो नर्स थी उसके कुछ उसने कुछ कहा था इन रोमानियों के बारे में। तो वही सब है कि ये कह रही थी कि मतलब कि ये लोग जो हैं इनके पास पैसे भी नहीं होते हैं इलाज करने के लिए, ये काली चमड़ी वाले लोग होते हैं, ये हमारी तरह नहीं होते हैं, इनके उनकी रंगों की पसंद भी अलग होती है, इनके कपड़े पहनने का तरीका भी अलग होता है। और ये भी कहा कि वो लोग क्या करते हैं, अपना खून बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो और जब ये बीमार पड़ जाते हैं तो ये क्या होते हैं, दौड़े दौड़े अस्पताल पहुँचाते हैं, चाहे इनके पास इलाज के लिए पैसे हों या ना हों। ये बातें कुछ सुनी सुनाई सी लगती है, महाश्वेता ने कहा। फिर गणेश ने फिर रोमानिया में रहने वाली रोमानी मोद्रू जेनी के बारे में बताया। उसने कहा ये 18 साल की थी और ये जो है अस्पताल में इसने अपने बच्चे को जन्म दिया, ठीक है, और उसके पास डॉक्टर या नर्स को देने के लिए क्या नहीं था, पैसे भी नहीं थे उसके पास। और मतलब ये दिखाया है कि ये जो रोमानिया लोग थे इनकी जो कंडीशन थी वो काफ़ी ही ख़राब थी। इवन उसको किसी ने उसको साथ नहीं दिया, ना उसको कोई देखभाल करने के लिए आया, बल्कि वहाँ की जो एक सफाई कर्मचारी थी जो खुद भी रोमानी थी उसने उसकी थोड़ी सी मतलब हेल्प की थी। और डॉक्टर जो है डॉक्टर भी इन लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे। इवन उसने बताया जो सरकारी अस्पतालों में रोमानी लोगों के साथ होने वाले व्यवहार के बारे में उसने बताया कि यहाँ पर डॉक्टर्स क्या बोल देते हैं, कभी कभी इन लोगों को बोल देते हैं कि ना पहले नहा कराओ फिर इलाज करेंगे, या इस तरह से मतलब इनकी स्थिति जो थी कुल मिला के ख़राब थी। तो महाश्वेता ने गणेश की बातें सुनी और कहा कि गणेश इन चीज़ों को जानने के लिए हमें दुनिया की सैर करने की ज़रूरत नहीं है, जाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारे देश में भी होता है ऐसा। देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दे रखे होंगे आप इस कॉलम में देख रहे हैं, तो ये कुछ प्रश्न हैं इनके, इनको भी आप लोग प्लीज़ पढ़ लीजिएगा क्योंकि बोर्ड में इस स्टोरी से संबंधित जो स्टोरीज होती हैं लेसन के बीच में इनके इस पर आधारित भी क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, और कभी कभी ये जो लेसन के बीच में क्वेश्चन आंसर्स आप देख रहे हैं ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चों इसके लिए आप ये सब भी बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयार कर लेना। अब देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इसमें हम तीन आयाम। अब देखिए तीन आयाम में लोगों ने क्या करा, अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना की, यानी कि जो लोग थे वो अपने आप को जो विशिष्ट मानते थे और दूसरों को क्या मानते थे, हीन मानते थे, अपने से कम मानते थे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, सामंजस्य स्थापित करना बड़ा कठिन हो जाता है। यदि उत्तरी आयरलैंड के लोग जो हैं स्वयं को कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट के रूप में न देखकर अपनी बहुस्तरीय या वृद्ध पहचान के प्रति सचेत होते तो वहाँ पर जो हिंसक घटना हुई थी वो नहीं होती, है ना। आयरलैंड के जो लोग थे वो अपने आप को कैथोलिक और क्या करते थे, प्रोटेस्टेंट मानते थे, तो अपने आप में अलग मानते थे, इस वजह से उनमें आपस में क्या हुआ, हिंसक स्थिति उत्पन्न हुई वहाँ पर, ठीक है। और जिस प्रकार से डच व जर्मनी बोलने वाले बेल्जियम के लोग स्वयं को क्या समझते थे, बेल्जियम, लेकिन क्या होता है कभी कभी ऐसी स्थिति जो है नहीं भी आ पाती है ऐसी स्थिति, जैसे कि अब उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे कि डच व जर्मन बोलने वाले जो लोग थे बेल्जियम के वो अपने आप को बेल्जियाई मानते थे, यानी कि हम लोग अपने आप को भाषा के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर अलग अलग ना समझकर अगर अपने आप को
एक एक राष्ट्र से जुड़ा हुआ माने तो किसी भी प्रकार की जो हिंसात्मक क्रियाएं होती हैं वो नहीं होती हैं। अब देखिए भारत में अधिकतर लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आप को सबसे पहले क्या कहेंगे, हम लोग अपने आप को भारतीय कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे हम उत्तर प्रदेशी हैं या हम राजस्थानी हैं या हम किसी धर्म के हिसाब से हम ये कहेंगे नहीं हम तो हिंदू हैं हम मुस्लिम हैं, नहीं हम सबसे पहले क्या हैं, भारतीय हैं। तो इस तरह से सामाजिक समुदाय के जो सदस्य अगर अपने आप में एकता की भावना फील करें तो वहाँ पर जो है विभिन्नता भी महत्व नहीं रखती है। अब देखिए राजनीतिक दलों की भूमिका, राजनीतिक दलों की भी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। देखिए यदि जो राजनीतिक समुदाय होते हैं, महत्वपूर्ण बात यह कि जो समुदाय की मांगों को राजनीतिक दलों द्वारा किस प्रकार उठाया जाता है। देखिए संवैधानिक सीमा में आने वाली तथा दूसरे का अहित न करने वाली मांगें सहजता से स्वीकार की जा सकती हैं, यानी कि अगर कोई समुदाय ऐसी डिमांड कर रहा है जिससे किसी को नुकसान ना हो और जो हमारे संविधान के अंतर्गत आती हो, यानी कि जिसको हमारा संविधान स्वीकार करता हो, तो ऐसी मांगों को मान लेना चाहिए। लेकिन क्या हुआ श्रीलंका में, क्या था श्रीलंका में, मैंने आपको पहले चैप्टर में सिविक्स के में बताया था कि वहाँ पर श्रीलंका में सिंहलियों के लिए ज़्यादा मतलब उनको ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता था या उनके लिए ज़्यादा अच्छा किया जाता था, लेकिन जो तमिल समुदाय के लोग थे उनके पहचान और हितों की क्या थी, वो विरुद्ध थी। तो यानी कि अगर किसी देश में इस तरीके से भाषा के आधार पर भेदभाव किया जाएगा तो वहाँ पर जो है हिंसा हो सकती है वहाँ पर। तो ऐसे युगोस्लाविया में विभिन्न समुदाय के नेताओं ने भी ऐसी मांगें रखी जिन्हें एक देश की सीमा के अंदर पूरा ही नहीं किया जा सकता था। अब देखिए विभिन्न समुदायों की मांग के प्रति सरकार का व्यवहार, यानी कि अलग अलग जो समुदाय होते हैं उनकी मांग अलग अलग होती है। अगर उन समुदायों की मांग, जैसे अल्पसंख्यक लोग होते हैं या कोई भी समुदाय है, अगर उनकी मांग जो है जायज है, यानी कि उनकी मांग जो है उचित है, तो ऐसे उनको मान लेना चाहिए और सामाजिक विभाजन देश के लिए खतरा नहीं बनते। इस प्रकार के जो सामाजिक विभाजन होते हैं वो देश के लिए जो है खतरा नहीं बनते। तो इस तरीके से यह हमने जो है बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों में देखा है कि यदि शासन उपयुक्त मांग का दमन करता है, यानी कि अगर किसी भी समुदाय की मांग जायज है ना, तो अगर उसको जो है वहाँ का शासन जो है उसका दमन करता है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर वहाँ के परिणाम कैसे होंगे, गंभीर होंगे, यानी कि वहाँ का विभाजन फिर निश्चित है। तो इस प्रकार से जो जायज है उसको मान लेना चाहिए, शोषण नहीं करना चाहिए किसी भी समुदाय का। अब देखिए लोकतंत्र सामाजिक विभाजन की समस्या से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। देखिए सामाजिक विभाजन के सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूप होते हैं। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति स्वाभाविक है, यह इसका सामान्य लक्षण भी है। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन को सकारात्मक दृष्टि से ही देखना चाहिए, यानी कि अगर लोकतंत्र में जो सामाजिक विभाजन होता है उसको हमें पॉजिटिव रूप में देखना चाहिए। राजनीति में विभिन्न सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के मध्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामंजस्य स्थापित करती हैं। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र को क्या होती है, मजबूती प्राप्त होती है। यह भी सत्य है कि विविधता के प्रति उन लोगों का दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं होता जो उपेक्षित और वंचित है, यानी कि इसका मतलब यह कि जो विभिन्नता होती है ना, तो उसके प्रति कुछ लोगों का जो व्यवहार होता है वो सकारात्मक नहीं होता। वो कब होता है, जब कुछ लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है ज़्यादा, ठीक है, उनकी उपेक्षा की जाती है, तो वहाँ पर लोग जो है सकारात्मक नहीं होते हैं। कई बार लोग राजनीतिक और संवैधानिक दृष्टि से कई बार लोग शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं, यानी कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी डिमांड को रखते हैं संविधान को मद्देनजर रख के और शांतिपूर्वक रखते हैं तथा चुनावों के माध्यम से अपने लिए क्या करते हैं, दबाव बनाते हैं ताकि उनकी बातों को माना जाए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सामाजिक असमानताएं अधिक गैर बराबरी और अन्याय वाली होने पर उन्हें स्वीकार करना क्या होता है, असंभव भी हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, हिंसा का रास्ता अपना लिया जाता है, लड़ाई दंगे हो जाते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब ऐसी स्थिति आती है तब लोकतंत्र के माध्यम से ही गड़बड़ियों की पहचान करके विविधता को समाहित करके समाधान निकालने का प्रयत्न किया जाता है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।